हम डिस्कस कर चुके हैं हालबानाथ थ्योरम और यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्ड बिग थ्योरम इन दिस चैप्टर, द ओपन मैपिंग थ्योरम। ओपन मैपिंग क्या होती है? लेट एक्स एंड वाई बी टू मैट्रिक्स स्पेसेस। ए मैपिंग टी फ्रॉम डोमेन ऑफ टी टू वाई, वेयर डोमेन ऑफ टी इज सबसेट ऑफ एक्स, इज कॉल्ड एन ओपन मैपिंग। इफ द image of every open set of domain of t is an open set of y, so ek mapping open mapping tab kehlati hai jab wo ek open set ko open set pe map kare. These are the mapping such that the image of every open set is also an open set. Iske baraks continuous mapping kaun si mapping hoti hai? A continuous mapping T from X to Y has the property that for every open set in Y, the inverse image in X is also an open set. यानी continuous mapping क्या करती है? वो एक open set को Y में से उसे खींच के उसका inverse image X में open. इस प्रॉपर्टी को हम पुल बैक की प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट रिमार्क है हमारे पास, एक कंटिन्यूअस मैपिंग आर नॉट नेसेसरली ओपन मैपिंग्स। यानी एक मैपिंग अगर कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं कि वो ओपन मैपिंग भी हो। मिसाल के तौर पे अगर एक मैपिंग टी आर से आर पे आप ले लें, डिफाइंड बाय टी एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब साइन एक्स क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन है लिहाजा टी एक कंटिन्यूस मैपिंग है, बट जब आप टी को एक ओपन सेट जीरो टू पाई पे अप्लाई करते हैं, जीरो से लेके टू पाई के दरमियान आप टी की अगर वैल्यूज निकालें तो दरमियान में पाई बाय टू पे ये वन भी होगा और थ्री पाई बाय टू पे ये माइनस वन भी होगा। लिहाजा हमारे पास जीरो टू पाई ओपन इंटरवल का जो इमेज आएगा वो माइनस वन प्लस वन आ जाएगा। अब माइनस वन प्लस वन ये एक ओपन सेट नहीं है। क्यों नहीं ओपन सेट? क्योंकि माइनस वन और वन के गिर्द आप ओपन बॉल नहीं बना सकते ऐसी। अच्छा, दैट इज टी मैप्स एन ओपन सेट जीरो टू पाई ऑन टू द सेट माइनस वन प्लस वन विच इज नॉट ओपन। इसका मतलब है कि टी कंटिन्यूस तो है लेकिन ये ओपन नहीं है। इसी तरह अगर आप ये एग्जाम्पल ले लें, T from R to R defined by T of X is equal to X square. तो ये X square भी continuous function है because every polynomial function is continuous. But जब आप T को apply करेंगे minus one plus one open interval पे तो ये map कर जाएगा, zero पे close हो जाएगा और one पे open हो जाएगा। क्योंकि X square क्या करेगा? वो इसे non negative कर देगा, लेकिन जब zero पे apply होगा तो हमें zero देगा, इसलिए zero पे ये interval close है और वन क्योंकि इसमें शामिल नहीं है तो वन पे ओपन है। बट ये जो हाफ क्लोज ओपन इंटरवल बना है ये अब ओपन सेट नहीं है क्योंकि जीरो इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। जीरो के गिर्द अगर आप कोई भी ओपन बॉल बनाते हैं तो वो सेट के अंदर लाई नहीं करेगी। सो टी इज कंटिन्यूस बट टी इज नॉट एन ओपन मैपिंग। अब ओपन मैपिंग थ्योरम के पीछे जो मोटिवेशन है वो यही क्वेश्चन है। आपने देखा है कि एक कंटिन्यूअस लीनियर ऑपरेटर जरूरी नहीं है कि वो एक ओपन मैपिंग हो। सो क्वेश्चन अराइजेस कि अंडर व्हाट कंडीशंस ए कंटिन्यूअस लीनियर ऑपरेटर इज आल्सो एन ओपन मैपिंग, एंड इट्स आंसर इज ओपन मैपिंग थ्योरम। ओपन मैपिंग थ्योरम की स्टेटमेंट ये है, एक कंटिन्यूअस लीनियर ऑपरेटर टी from a Banach space X to Banach space Y is an open mapping. अगर आपका bounded linear operator norm space X से norm space Y के बजाय एक Banach space X से Banach space Y पे map करता हो तो फिर ऐसा continuous linear operator लाजमी तौर पर open mapping होता है। That is, अगर T बानाक स्पेस एक्स से बानाक स्पेस वाई पे हो, ये ऑन टू हो, बाउंडेड हो, लीनियर हो, तो फिर ये हमेशा ओपन मैपिंग होता है। अब इसका आप प्रूफ देख लें।
हमने क्या करना है, हमने टी को ओपन प्रूव करना है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि आप एक ओपन सेट ले लें एक्स का और उसका इमेज प्रूव कर दें कि वो वाई में ओपन है। सो वी प्रूव दैट फॉर एवरी ओपन सेट ए इन एक्स द इमेज टी ऑफ ए इज ओपन इन वाई। अब टी ऑफ ए को आपने वाई में ओपन प्रूव करना है। उसके लिए क्या करते हैं, किसी भी सेट को ओपन प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, उसमें से एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेते हैं और उस पॉइंट के गिर्द एक ओपन बॉल ऐसी बनाते हैं जो सेट के अंदर लाई करती हो, वो सेट का इंटीरियर पॉइंट बन जाता है, फिर सेट ओपन हो जाता है। अच्छा, दिस वी डू बाय शोइंग दैट फॉर एवरी वाई विच इज टी एक्स इन टी ऑफ ए द सेट टी ऑफ ए कंटेन्स एन ओपन बॉल अबाउट ए। The set T of A contains an open ball B y epsilon which is contained in T of A for some epsilon greater than zero. इसे अब हम प्रूव करने जा रहे हैं। एक आर्बिट्रेरी y ले लें आप T of A में। अगर y T of A में, इसका मतलब है कि there exists some x in A such that y is actually T of x। अब आपको एक x मिल गया A में, A open है, therefore it contains an open ball about x। ओपन सेट ए की डेफिनेशन के मुताबिक अब आपको एक्स के गिर्द एक ओपन बॉल मिल जाएगी जो ए में लाई करेगी, उसे आप बी एक्स आर फर्ज कर लें। सो बी एक्स आर इज सबसेट ऑफ ए। अब आपने यहां पे यूज करना है यूनिट ओपन बॉल लेमा। यूनिट ओपन बॉल लेमा के लिए हमें बी जीरो वन चाहिए होता है। लिहाजा हम क्या करेंगे, हम एक्स सबट्रैक्ट कर लेंगे। एक्स जब इस पूरे सेट में से सबट्रैक्ट होगा उससे क्या होगा, उससे इसका सेंटर एक्स के बजाय जीरो बन जाएगा, ये ए माइनस एक्स में कंटेन कर जाएगा। अब आप इसे स्केल करना चाहते हैं, रेडियस वन करना चाहते हैं। इस वक्त इसके अंदर जो वेक्टर पड़े हैं, जी जो बॉल बन रही है इसका रेडियस वन है। जो आप इसे वन ओवर आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसका रेडियस वन कर देगी। सो बी जीरो वन इज कंटेन्ड इन के ए माइनस एक्स वेयर के इज वन बाई आर। And because t linear है, आप t apply कर देंगे तो t of b 0 1 is contained in t of k a minus x। अब t क्योंकि linear है, so this is t of a minus t of x। अब यहाँ पे आप unit open ball lemma apply करें। unit open ball lemma क्या कहता है, ये just इतना कहता है कि अगर आप b 0 1 पे t apply करें तो b 0 1 एक ball है x में, टी एफ बी जीरो वन बॉल बन जाएगी वाई में। अब टी एफ बी जीरो वन जरूरी नहीं है कि ये भी एक ओपन बॉल ही हो, ये जस्ट एक इमेज है बी जीरो वन का, लेकिन इसके अंदर एक ओपन बॉल जरूर पड़ी होगी जिसका रेडियस कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो वन हो। सो वी कॉल इट बी वन जीरो एप्सिलॉन। बी वन जीरो एप्सिलॉन इज कंटेन्ड इन टी एफ बी जीरो वन। दिस इज बाय यूनिट ओपन बॉल लेमा। अब t of b 0 1 लास्ट स्लाइड के मुताबिक दिस इज कंटेन्ड इन k of t a minus t x। इसका मतलब है कि b 1 0 epsilon is contained in t of a minus t of x, because k आपके पास less than 1 है, k 1 over r है। सो जब आप इसको 1 से रिप्लेस करेंगे तो दिस सेट विल बी कंटेन्ड इन t of a minus t x। अच्छा, अब आपको क्योंकि आपको बॉल ऐसी चाहिए थी जो t of x के गिर्द हो, तो आप टी एफ एक्स ऐड कर दें। जब ये टी एफ एक्स सेट के तमाम एलिमेंट्स में ऐड होगा तो ये आपका सेंटर टी एफ एक्स बन जाएगा। सो बी वन टी एक्स एप्सिलॉन इज कंटेन्ड टी एफ ए। लिहाजा आपने वाई लिया था टी एफ ए में और अब आपने प्रूव कर दिया कि वाई की गिर्द एक ओपन बॉल एग्जिस्ट कर रही है जो टी एफ ए में कंटेन कर रही है। इसका मतलब है कि टी एफ ए इज ओपन सेट। और इसका क्या मतलब है कि टी एफ ए ओपन सेट है, आपके पास एक ओपन सेट था एक्स का, उसका इमेज आपने प्रूव कर दिया है कि ओपन है वाई में। इसका मतलब है कि क्योंकि ये आर्बिट्रेरी था तो हर ओपन सेट का इमेज ओपन सेट होगा। सो टी इज एन ओपन मैपिंग एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस। नेक्स्ट इज बाउंडेड इनवर्स थ्योरम। लेट एक्स एंड वाई बी बानाक स्पेसेस एंड टी फ्रॉम एक्स टू वाई बी ए बाइजेक्टिव बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। Then T inverse is continuous and hence bounded linear operator. नाम से ही आपको पता चल रहा है कि bounded inverse theorem basically किसी भी operator के
इनवर्स के बाउंडेड होने के बारे में। आप ये जानते हैं कि अगर कोई ऑपरेटर टी एक्स से वाई पे लीनियर हो और वो बाइजेक्टिव भी हो, बाइजेक्टिव का क्या फायदा है कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर टी लीनियर ऑपरेटर हो तो उसका इनवर्स भी लीनियर होता है। यहां तक तो बात सही है कि इनवर्स ऑफ ए लीनियर ऑपरेटर इज लीनियर इफ इट एग्जिस्ट। लेकिन अगर आपका लीनियर ऑपरेटर बाउंडेड हो और उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता हो तो आप ये नहीं कह सकते कि टी इनवर्स भी बाउंडेड होगा। देयर इज नो जनरल प्रूफ दैट टी इनवर्स इज बाउंडेड। अब बाउंडेड इनवर्स थ्योरम ये बताता है कि अंडर व्हाट कंडीशंस, या आपको कुछ सफिशिएंट कंडीशन ऐसी बताता है कि जिसके तहत टी इनवर्स भी बाउंडेड हो जाता है। वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है कि एक्स और वाई ये बायनॉक स्पेसेस हो और टी एक बाउंडेड, एक बाइजेक्टिव बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर हो, तो फिर टी इनवर्स हमेशा बाउंडेड होगा। अच्छा, इसका प्रूफ देख ले। इसे हम फोर स्टेप्स में प्रूव करेंगे। स्टेप वन, सिंस एक्स एंड वाई आर बायनॉक स्पेसेस एंड टी फ्रॉम एक्स टू वाई इज ए बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, देयरफॉर यूजिंग ओपन मैपिंग थ्योरम टी इज ओपन। क्योंकि आप देखिए ओपन मैपिंग थ्योरम की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, इसका मतलब यह है कि टी इज ओपन। स्टेप टू, सिंस टी फ्रॉम एक्स टू वाई इज बाइजेक्टिव, देयरफॉर टी इनवर्स फ्रॉम वाई टू एक्स एग्जिस्ट। सेकेंड स्टेप ये हो गया कि टी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि ये बाइजेक्टिव है। थर्ड स्टेप, सिंस इनवर्स ऑफ ए लीनियर ऑपरेटर इज लीनियर, देयरफॉर टी इनवर्स इज लीनियर। Number four, now we prove that T inverse from Y to X is a continuous mapping. Continuous के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? अब यहाँ हमें T inverse को continuous prove करने के लिए इसकी range यानी X का एक open set लेना पड़ेगा और इसका inverse image Y में open prove करना। So let O be an open set of X, then the inverse image of O under T inverse is equal to T of O. अच्छा, अब आप देखिए क्योंकि T आपके पास एक ओपन मैपिंग है, O एक ओपन सेट है, तो ओपन मैपिंग जब आपके ओपन सेट पे अप्लाई होती है तो वो आपको ओपन सेट देगी। सो T, सो इनवर्स ऑफ T इनवर्स O which is equal to T of O is open in Y because T of O is an open subset in Y. Therefore, T inverse is continuous, and we know that every continuous linear operator is bounded, hence T inverse is bounded.